खबर दी सही अपडेट न्यूज़ में हम कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिनभर की खास खबरें। जिला मुख्यालय पर दूर दराज से आवेदकों की समस्याएं सुनी, कलेक्टर ने समस्याओं को सुनकर किया निराकृत। बढ़ती सर्दी के चलते विदिशा विरासत ग्रुप की टीम ने मरीजों के लिए 50 गद्दे और 50 कंबल की ये भेंट, मेडिकल कॉलेज के डीन रहे मौजूद। और बेतवा निर्मल अभियान को 19वें दिन श्रमदान करने पहुंचे बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं। बेतवा के घाटों की हो रही है साफ सफाई। अब खबर विस्तार से। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा दूर दराज से आए आवेदकों की परेशानियों को सुना गया। कलेक्ट्रेट की गैलरी में लाइन से खड़े लोगों की समस्याएं कलेक्टर ने बारी बारी से सुनी और उनका निराकरण भी किया। विदिशा विरासत ग्रुप की टीम ने बढ़ती सर्दी के चलते सास के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डीन को 50 कंबल और 50 गद्दे सौंपे, जो कि मरीजों के काम आएंगे। जो मरीजों के परिजन रहेंगे उनको ठंड ना लगे, सोने की व्यवस्था हो जाए, इस कारण से गद्दे और रजाइयों का और कंबलों का इंतज़ाम किया है। वो जो है मरीजों के परिजन जिनका घर दूर है या कुछ है और जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, उनको जो है ये सब सुविधाएं विदिशा की विरासत एनजीओ की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, है ना। सपूतों के बारे में नहीं, ये एक अच्छी पहल है। और क्योंकि क्या होता है, शासकीय उसमें बहुत सारी चीज़ें और हर किसी को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, ऐसे में एनजीओ का सहयोग लेना और लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना, ये हमारे लिए अच्छा कार्य है हमारे महाविद्यालय के लिए। और इस विशेषकर मैं परिजनों को जो असुविधा होगी उससे बचने के लिए और विशेषकर ठंड में तो उसके बचने के लिए ये अत्यधिक उपयोगी होगा। और ये पूरा कार्य इनके द्वारा ही किया जाएगा, हमने सिर्फ स्थान मात्र दिया है, बाकी रखना वापस लेना ये पूरे कार्य जो है वो इसी एनजीओ के द्वारा किए जाएंगे। विदिशा की विरासत ग्रुप, जैसा कि आप सब लोगों ने पहले भी हम लोगों को समाचारों को कवरेज दिया था, कोरोना काल के समय हमने जल सेवा प्रदान की थी, उसी प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए यहाँ मरीजों के जो परिजन हैं वो ठंड में परेशान ना हों, इसलिए हम लोगों ने सब ग्रुप ने ये तय किया कि मरीजों के परिजनों को बिस्तर की व्यवस्था करेंगे। तो उसी तारतम्य में कंबल और गद्दे की अभी हम लोगों ने 50 गद्दे और 50 कंबल अभी हम लोगों ने जुटाए हैं। ये कंबल और गद्दे नगर के सब्रांत सेठ विट्ठल दास जी डांगरा की सौजन्य से हमको प्राप्त हुए हैं। इसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमने डीन मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया, उनसे अपने कार्य का विवरण दिया, तो उनने बड़े सहर्ष हमको एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर नगर क्षेत्र में संचालित साईं पैरा मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। जिला मुख्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। क्या पूरा मामला है सर? एडमिशन के टाइम पे हमारे इनसे बात हुई थी 45,000 की, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप अब 68,000 कुछ आई है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि पूरी जमा करो। नियम क्या है इसका? नियम सर 45,000 का है बस। इसके संचालक का नाम क्या है? संचालक शायद संतोष मीना जी हैं। कौन सा कॉलेज है? साईं पैरामेडिकल एंड साइंसेस, विदिशा मुखर्जी नगर में।
कब से पढ़ रहे हैं आप लोग? सर करीब एक साल हो गया, फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, दो साल हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम भी नहीं हुए सर अभी। ओनली क्या पूरा मामला, आप यहाँ पर आए सब लोग? सर ये एडमिशन करते टाइम सर कुछ और बताते हैं और फिर स्कॉलरशिप आ जाती तब और कुछ बताते हैं। हम लोगों का एडमिशन किया तब 30,000 बताई दी सर ने, और हम लोगों की स्कॉलरशिप फिर 44,000 आई, तो सर पूरी ले रहे का सर, पूरी स्कॉलरशिप जमा करो। कौन सा कॉलेज है, कहाँ संचालित हो रहा है अभी? साईं कॉलेज पैरामेडिकल विदिशा। कौन सा स्थान? मुखर्जी नगर। तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर यही हो रही है कि पहले एडमिशन के टाइम पे सर ने 30,000 बोला था और हम लोगों की स्कॉलरशिप 44,000 आई, तो बोल रहे पूरी जमा करो पूरी 44,000। आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एसटी कॉलेज के स्मार्ट कक्ष में एडीएम वृंदावन सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। दिया जाना तो सब जगह सभी कक्षाओं में टीवी की आवश्यकता होगी, लैपटॉप की आवश्यकता होगी, माइक की आवश्यकता होगी, वहाँ बिजली की आवश्यकता होगी, स्विच की आवश्यकता होगी, ये चीज़ों को भी थोड़ा सा सीओ लोग उसको देख लेंगे। पूरे हमारे शिक्षा विकास खंड जैसे विदिशा का गठन कर रहे हैं, विदिशा के कर्मचारियों को बढ़ा करके फिर 6 विकास खंड से कर्मचारियों को लेगा, ठीक है? तो इसका आशय क्या होगा, फिर जब 6 विकास खंड के लोगों की ड्यूटी लग रही है। पूरनपुरा क्षेत्र स्थित मेवा प्रसाद गार्डन में शॉर्ट सर्किट के चलते रजाई गद्दों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही पूरनपुरा में रहता हूँ, बारहवीं गेट चला रहा हूँ। ये दुकान कहाँ पर थी, क्या हुआ? ये पूरनपुरा गली नंबर 5 में है दुकान, लाल सर्कल से। कहाँ की दुकान है ये? सोफा वगैरह भरे थे गार्डन का सामान। तो आग का कुछ कारण मालूम पड़ा अभी तक? नहीं नहीं अभी कोई कारण नहीं। सांची रोड स्थित TNT एंटरप्राइजेस पर दो पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन के शोरूम का शुभारंभ बुधवार को हुआ, जहाँ दो पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री होगी। शोरूम संचालक प्रवीण जौहरी और विजय सुंदरानी है। सनातन धर्म रक्षा परिषद के सदस्यों ने बासुदम क्रिश्चियन स्कूल में 8 बच्चों के धर्मांतरण के मामले को लेकर कार्रवाई करने हेतु जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जो घटना घटित हुई है गजबासुदा में कि ट्रिनिटी कॉन्वेंट जो स्कूल है जो कि बच्चों के धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो उनके खिलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पूरा हिंदू संगठन मिलके, हिंदू समाज सब मिलके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि ऐसे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मिशनरियाँ हैं, जो हिंदू समाज को लक्ष्य बना करके ऐसे षड्यंत्र चला रहे हैं, ऐसे रैकेट चला रहे हैं, उन सारी दोषी संस्थाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और 7 दिवस के अंदर यदि इस मामले में आपने FIR और कानूनी कार्रवाई नहीं की तो जिले का समूचा हिंदू समाज
पुरजोर इसका विरोध करेगा और स्वयं कानूनी कार्रवाई उसको ऐसे बेतवा निर्मल अभियान के तहत मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। ज्योति समाज की ब्राह्मण महिलाएं श्रमदान करने पहुंची। नमो नमो शरद जीतेगा। मेलका साहू लॉयंस क्लब की नर्सरी लियो क्लब। हम लोग आज हमारी टीम सारी आई लियो क्लब की। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम लोगों का मतलब सेवा संस्कार संग ये सब हमारा उद्देश्य है। ज्योति ब्राह्मण महिला मंडल की अध्यक्ष आज हमारी सभी बहनें यहाँ मुक्तिधाम बेतवा माँ बेतवा के तट पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि हमारे आदरणीय मनोज पांडे जी ने बहुत ही इसको सुंदर और सुचित ढंग से स्वच्छ रखने के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है। आज 19वां दिन है उसका, जो कि बहुत ही पूर्णतः सभी लोग हर क्लब के लोग यहाँ पर आके सेवाएं दे रहे हैं और मैं मुक्तिधाम से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा ही सेवा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। भैया श्रमदान के इस महाअभियान में जिसमें हमारी जीवनदायिनी बेतवा को स्वच्छ निर्मल करने के लिए जो ये महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें कई लोग कई समाजसेवी विदिशा के संगठन समाजसेवी और ये जो अभियान श्री मनोज पांडे जी के द्वारा चलाया गया है बहुत ही नेक और इसकी आवश्यकता थी। मुक्तिधाम का एरिया जो आसपास था काफ़ी वाकई में अब बहुत इसमें आने में अब जो पहले डर था वो ख़त्म होता जा रहा है। नमस्ते। इस पवित्र और जीवनदायिनी बेतवा माँ के तट पर चल रहे विगत 20 दिनों से श्रमदान का जो सिलसिला सचिव मनोज पांडे जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, आज उसका 19वां दिन है और आज यहाँ पर लायंस क्लब बेतवा, लायंस क्लब विदिशा, लियो क्लब ऊर्जा विदिशा, जिनका ध्येयवाक सेवा संघ संस्कार है, ऐसी नर्सरी जो होती है लायंस जिनके कारण बनते हैं, ऐसे लियो सदस्य सुबह 7 बजे से यहाँ पर आकर श्रमदान कर रहे हैं। आगे भी हमारी योजना है, संघ ने भी इसमें बहुत आहुति दी है। अभी राष्ट्र सेविका समिति द्वारा श्रमदान किया गया था, आगामी गुरुवार और 9 दिसंबर को हमारी जो संस्कार केंद्र चलाने वाली दीदियां हैं उनके द्वारा यहां पर श्रमदान किया जाएगा। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम जिसका अन्न जल ग्रहण करते हैं उसके लिए स्वच्छ और निर्मल बनाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। आप सब यहाँ पर आ रहे हैं इसके लिए और इस मिशन के जो चीफ हैं मनोज पांडे जी, इनके नेतृत्व में हम सब यहाँ पर इस बेतवा को सुंदर सुखद और स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो अभियान में आहुति दे रहे हैं, निश्चित ऊपर ईश्वर देख रहा है और इसका हमको सबको सही मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है मनोज भैया ने यहाँ पर सभी लोगों को इतना वो कर दिया। आने में लोग बहुत डरते थे, मुक्तिधाम मतलब मुक्तिधाम बहुत वो था। यहाँ पे सभी लोग इतने अच्छे से आने लगे, श्रमदान कर रहे हैं आजकल और मैं रोज़ पेपर में देखती हूँ कोई ना कोई यहाँ पे आता है और डरने की अब डर पूरा चला गया है यहाँ से। पहले मैं यहाँ से निकलती थी तभी बहुत डर लगता था लेकिन अब बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मन में ऐसा लग रहा है कि रोज़ आना चाहिए और बहुत अच्छे से यहाँ अच्छा श्रमदान हो रहा है तो ये सेवा करना चाहिए सभी को। मनोज आज की खबरों बस इतना ही, आप देखते रहिएगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।